ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन देवताओं से प्राप्त नाद ब्रह्म की उपासना करते करते अपने अल्पायु में ही अनंत में विलीन हो गए। वही है एक श्रेष्ठ गायक गुरुवर्य पंडित डीवी तथा बापूराव पलुस्कर। आप सब रसिक श्रोताओं को पंडित दत्तात्रेय विष्णु यानी बापूराव पलुस्कर जी की गायन शैली का परिचय कराने हेतु मैं आज यह नाद ब्रह्म योगी कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब उपस्थित श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। जिन लोगों ने गुरुवर्य बापूराव जी का गायन सुना होगा उन्हें उनके प्रासादिक गायकी की कल्पना होगी। ध्वनि मुद्रिकाओं से उनकी गायकी का थोड़ा सा अंदाज श्रोताजन कर सकते हैं, किंतु ध्वनि मुद्रिकाएँ छाया जैसी होती है। छाया सही सही होते हुए भी गायकी की संपूर्ण कल्पना करना कठिन है। Hira na 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 hira
कंकीर्णी राग में ये बंदिश आपने सुनी। अब आगे बढ़ते हैं। आपके श्रेष्ठ पिता गायनाचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से प्राप्त हुई संगीत की देन तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त मुलायम एवं मधुर कंठ और अपने परिश्रम द्वारा की हुई साधना, इन सब गुणों से बापूराव जी का सांगीतिक व्यक्तित्व बहरा। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का जन्म दिनांक 28 मई 1931 को कुरुनवाड में हुआ और देहांत 26 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ। अपनी यह 34 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जो कीर्ति संपादन की इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। आपके प्रारंभिक संगीत की शिक्षा अपने चचेरे भाई पंडित चिंतामण राव पलुस्कर तथा पंडित नारायण राव व्यास जी से ही हुई और विशेष रूप से दीर्घ कालावधि के लिए बापूराव जी ने पंडित विनायक राव पटवर्धन जी से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा पंडित बालकृष्ण व इचलकरंजी कर जी के शिष्य पंडित मिलाशिव और विष्णु दिगंबर जी के अन्य शिष्यों से भी बापूराव जी को योग्य मार्गदर्शन मिला। आरंभ में ही बापूराव जी को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरू में उनका जीवन बहुत ही कष्टमय रहा। अपने पिता पंडित विष्णु दिगंबर जी ने संगीत के प्रचारार्थ पूरे देश भर में भ्रमण करके विद्यादान का पवित्र कार्य किया और अपने विद्यार्थियों को आश्रय देकर तैयार किया। इस कार्य के लिए उन्होंने मुक्त हस्ता से अमाप धन खर्च किया, किंतु अपने परिवार के लिए सिर्फ 100 रुपये की एकमात्र नोट ही बाकी रही। इस संबंध में उन्होंने मुझे अपने कष्टमय जीवन की एक याद बतलाई थी। नासिक में रहते समय अपने एक ट्यूशन के लिए उन्होंने अपना एक पुराना हारमोनियम अपने खर्च से ही दुरुस्त करवाया। ट्यूशन शुरू हुई, मासिक फीस सिर्फ 3 रुपये और वो भी मार्च की फीस के लिए जुलाई तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और इतना ही नहीं, वो भी एक साथ भी नहीं मिलती थी। परंतु इस तरह की ट्यूशन करना बापूराव जी के लिए अनिवार्य था। ग्वालियर घराने की परंपरागत गायकी सीखने के बाद अपने गायन शैली में अन्य घरानों की गायकी का सौंदर्य बापूराव जी ने कुशलता से अपनाया था, जो बात उनकी ध्वनि मुद्रिकाओं से स्पष्ट होती है। उनकी पहली रिकॉर्ड HMV कंपनी के द्वारा 1944 में यानी कि उनकी 23 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध हुई थी। उनके पश्चात 2 अगस्त 1947 को मारवा की प्रसिद्ध बंदिश मारू कवन काज यह रिकॉर्ड प्रसिद्ध हुई। तो अब सुनिए उनका गाया हुआ राग मारवा। बिल्कुल। मारु कवन गाद गवन गद गद मान कवन गाद गवन गद गि जो मो वे वे गद गि जो मारु कवन गाद कवन गद गि मान अनर दन रस ददार गिल
बापूराव जी हमेशा बतलाया करते थे कि अन्य घराने को गायकी को अवश्य सुनिए और उनके कलात्मक सौंदर्यात्मक सांगीतिक विचारों को अपने गले से गुणधर्म के अनुसार विवेकपूर्ण ग्रहण करना चाहिए। रंगीले फैयासा की महफिल की रंगत ग्वालियर के अंतुआ मिराशी बुआ की स्थायी यात्रा की बनिशे ओंकारनाथ जी की आवाज आमिर खां के गायकी का धीमापन पटियाला के बड़े गुलाम अली खां साहब का सुरीलापन ये सब की ओर उनका ध्यान हमेशा रहता था और इन सब गायकी के प्रति उनके मन में आदर भाव ही था। अब हम सुनते हैं राग मालकंस की बंदिश नंद के छेला धीट लंगरवा। नंद के चेला धीट लंगरवा, नंद के चेला धीट लंगरवा, मोरे भैया पगरु आज राजगु। नंद के चेला धीट लंगरवा, नंद के चेला धीट लंगरवा, आवत जावत कर पतरत है, आवत जावत कर पतरत है, गारी जोंगे दुर्गवार, गारी जोंगे दुर्गवार, कवन गाव को मदहर मदाय क्यों। नंद के चेला धीट लंगरवा, नंद के चेला धीट लंगरवा।
बापूराव जी की गायन शैली सर्वांग परिपूर्ण थी, अत्यंत सुरीली निर्दोष आवाज और सुव्यवस्थित पद्धति से प्राप्त ग्वालियर की परंपरागत गायकी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ डॉक्टर अशोक रानड़े जी ने के कथन के अनुसार उनका गायन एक जलधारा जैसा था, जैसे जलधारा का उगम स्थान स्रोत अत्यंत निर्मल पारदर्शक होता है, वैसे भी उनकी आवाज़ से उनका गायन सुनने में अनुभव होता है। सुनने में वह बहुत सरल परंतु प्रस्तुत करने में बड़ा मुश्किल। उन्होंने ग्वालियर गायकी को अपनी प्रतिभा शक्ति से एक कलात्मक आकर्षक और अलग रूप देकर प्रभावित बनाया। अपनी आयु के 33-35 वर्ष में उनकी गायकी बहुत ही प्रगल्भ हुई थी। कोलकाता में एक कॉन्फ्रेंस में उनका गायन सुनकर स्वयं सूरश्री केसरभाई केरकर ने उनकी खूब प्रशंसा। महफिल में प्रचलित राग ही बापूराव जी गाए करते थे। अप्रचलित रागों के बारे में वे कहते, जब मुझे यह आत्मविश्वास हो जाएगा कि कोई भी अनवट राग मैं यमनभूप जैसे अधिकारपूर्वक गा सकूँगा तभी मैं उसे गाऊंगा। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आकाशवाणी के नेशनल प्रोग्राम के गाते समय देख लिए गए ये तस्वीर है। तबले पर पंडित चतुरलाल जी हैं और शारंगी पर उस्ताद शकूर खां। किसी कलाकार को अपने आप लोकप्रियता नहीं प्राप्त होती, नाम कमाने के लिए अपनी कला और विद्या पर पकड़ होनी चाहिए। कंठ में माधुर्य लचीलापन फिरत और विशेषताओं के साथ सुरीलापन लय पर अधिकार रागाभ्यास की गहराई प्रतिमा और प्रतिभा औचित्य भावदर्शन चातुर्य कलात्मकता और महफिल सजाने का एक तंत्र, ये सारी बातें उनमें थी। केवल विष्णु दिगंबर जी के पुत्र होने के कारण उन्हें गाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता था, परंतु उन्होंने स्वयं पूरी निष्ठा से परिश्रम कर अपनी कला को पूर्ण रूप से आत्मसात किया था और उसी का यह फलस्वरूप सम्मान था। अब हम राग गौड़ मल्हार की प्रसिद्ध बंदिश बलमा बहार आई का आनंद लेंगे। Yeah.
मैं फिल्म में रंग जमाना बापू राव जी की अपनी एक खासियत थी। मैं फिल्म में क्या गाना चाहिए, कितना गाना चाहिए, कैसा गाना चाहिए, इन सब बातों पर उनकी नज़र रहती थी। उनके साथ दौरे पर होते हुए इन बातों का अनुभव मैंने कई बार लिया है। अप्रैल सन 1955 के उनके बिहार दौरे के मोतिहारी के कॉन्फ्रेंस में अंतिम सभा में प्रातः 3:30 बजे उनका गायन का कार्यक्रम था। उसके पूर्व अनेक गायक, वादक, नर्तक अपनी कला का प्रस्तुतिकरण कर चुके थे। पंडित कंठे महाराज जी का तबला वादन भी हुआ था। तब उस समय बापूराव जी ने सोच समझकर और समय सूचकता दिखाकर राग ललित में विलंबित ख्याल के बजाय केवल मध्य लय में माई घुंघरवा ये बंदिश शुरू कर दी। 15-20 मिनट तक यह बंदिश गाकर उन्होंने 1-2 भजन गाकर अपना कार्यक्रम समाप्त किया। महफिल पूरी तरह से सजीव हो गई थी। उसके इस चयन पर रसिक श्रोतागण फिदा हो गए थे, ये बात स्पष्ट दिखाई देती थी। अब जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो स्वामी हरदास संगीत सम्मेलन में गाते समय का लिया हुआ है। सारंगी पर आप देख रहे हैं पंडित राम नारायण जी है, तबले पर कृष्णराव कुमठेकर है, वायलिन पर डी के दाता रही है और तानपुरे पर मैं स्वयं हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। बापूराव जी की महफिल की एक खासियत थी, कार्यक्रम की सफलता में साथी दौरा का भी योगदान रहता है, इससे वो अच्छी तरह से समझते थे। इससे महफिल में मुक्त वातावरण पैदा होता था। दिनांक 15 अगस्त 1953 में स्वतंत्रता के दिवस के उपलक्ष में इंदौर में अभिनव कला समाज की ओर से बापूराव जी के कार्यक्रम में उनका बाजा प्रख्यात वायलिन वादक पंडित डी के दातार वायलिन पर थे और मैं स्वयं तानपुरे पर संगत कर रहा था। इस महफिल में संगत करने के लिए हमें बहुत अवसर मिला। एक बार तो ऐसा हुआ कि तो हम तीनों ने एक ही तान एक ही समय पर शुरू की और ख़त्म भी की। तब हम खुशी से एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और इसमें श्रोताओं ने भी भाग लेकर आनंद बहुत लिया। अब बापूराव जी की गाई हुई भूप की बंदिश, प्रसिद्ध बंदिश जब से तुम्हें सन लागली, अब हम सुनेंगे और उसके तुरंत बाद मियां मल्हार की आई समधन मोरा बंदिश सुनेंगे। Thank you.
Thank you.
फोटोग्राफ में आप देखते हैं पंडित जी गाते हैं पंडित प्रेम वल्लभ जी के संगति में। प्रथम प्रजासत्ताक दिन के शुभ अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक विशेष संगीत सभा में गायन प्रस्तुत करने के लिए बापूराव जी खास तौर पर निमंत्रित थे। केवल 10 मिनट का अवधि, उस इतना अवधि उन्हें दिया गया था। इस अल्पावधि में ही उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जैसे उच्च कोटि सिने गायन के कार्यक्रम के बाद राग बहार में एक रचना और चलो मन गंगा जमुना तीर यह मीरा का प्रसिद्ध भजन गाकर अपना रंग जमाया। यह भजन अब हम सुनेंगे। और ये भजन उन्होंने ही स्वरबद्ध किया था 1944 में दिल्ली में। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल हो शरीर चलो मन शीतल हो शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन बंसी बजावत गावत गाना, बंसी बजावत गावत
गाना बंदी बजावत गावत गाना संगज जे बल वीर जनो मना गंगा जमुना दीन मुरम गुटपी कांबर शोभे मुरम गुटपी कांबर मुरम गुटपी कांबर शोभे मुरम गुटपी कांबर शोभे मुरम गुटपी कांबर शोभे मुरम पामर लोबे कुंडल जल कदही रगलो मन कुंडल जल कदही रगलो मन गंगा जमुना मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर कहे प्रभु मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नगर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नगर चरण कमल पर झील धरो मन चरण कमल पर झील धरो मन गंगा जमुना झील धरो मन गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना बापूराव जी महफिल में प्रचलित परंतु सिद्धर आ गई अधिकतर गाते थे। कभी कभी खास मौके पर वे मलुहा केदार कुकू बिलावल बागेश्री कानड़ा जैसे राग भी कुशलतापूर्वक गाते थे। चतरंग तराना इत्यादि गायन प्रकार भी वे विशिष्टता के साथ पेश करते थे। उनकी गायी हुई केदारे की एक बंदिश और राग सिंधुरा में चतरंग अब हम सुनेंगे। जाके कान रे जाके कान रे महल फिर रो जाके कान रे जाके जो बात सो बंद रे जागे गाने रे मन लगे केदर तो ना
सप्तस्वरात्रयो ग्राममूर्च्छना एकविंशति ताना एकोनपञ्चाशत् इत्येतस्वरमण्डलं चतरङ्गगावो गुणसभामेलकर चतरङ्गगावो गुणसभामेलकर अभी बैजूबारा फिल्म के पार्श्व गायन के बारे में उन्होंने टिप्पणी की हुई डायरी की कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे और नौशाद जी के साथ में उनका फोटोग्राफ भी दिखाएंगे। दिन दिन प्रतिदिन बापूराव जी का नाम अधिक रोशन होता जा रहा था। उसी समय सन 1952 में नौशाद जी ने बैजू बावरा फिल्म के लिए पंडित जी से पूछा। उन्होंने कहा, अगर आपका कर्म हुआ और अपनी इनायत हुई तो मैं चाहता हूँ कि आप बैजू के लिए गाएं। पलुस्कर जी गाने के लिए राजी हुए। नौशाद जी ने कहा, रिहर्सल के लिए वे स्टूडियो में आए और जो ताने पलटे और सरगम तय हो चुके थे उनका सही नोटेशन किया और इतना इतना डूब कर गए और वो गाने पे सवार हो गए। वह गाना आज भी जिंदा है क्योंकि न केवल मैंने कंपोज किया लेकिन इसलिए कि वह पंडित पलुस्कर जी और उस्ताद आमिर खान ने गाया। हमें पंडित जी ने इज्जत बख्शी, ऐसा नौशाद जी ने मेरे पास कहा था एक दिन। अब देसी राग की उनकी प्रसिद्ध बंदिश आज गावत मन मेरो आप सुनेंगे। नौशाद जी, पलुस्कर जी और उस्ताद आमिर खान साहब।
जगरे तान भगवान आज गावत मन में रो झुमके आज गावत मन में रो झुमके तेरी तान भगवान आज गावत मन में रो झुमके हर गया तो जीवन जावे जीता गायक सुनिया पावे रखियो अब मोर शान रे आज गावत मन में रो झुमके प्रेम के कारण प्रेमी गावे तानों से पात्र पिघलावे जगत में रहे मान रे आज गावत मन में रो झुमके आज गावत मन में रो झुमके सात सुरों के मधुरा मिलन में जादू आज जगाके बैजू के संगीत सदाता जल में आग लगा दे जल में आग लगा दे आज गावत मन में रो आज गावत मन 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 मेरो रूंगे आज गावत मन आज गावत मन पलुस्कर जी राजी हुए वैसे ही चिन्मय लहरी के संगीत निर्देशन में शाप मोचन यह बंगाली फिल्म में गाने के लिए भी पंडित जी ने अनुमति दी। जनवरी सन 1955 में प्रदर्शित यह फिल्म में बापूराव जी ने राग बहार की सुप्रसिद्ध बंदिश कलियन संग करत रंगर लिया गाई। यह बंदिश अब हम सुने संग कर दा रंग रंग कर दा
रंगरलीगा भवर गुजार खुदे फुलवार चमोर मोर बोरे कोरल की कूप सुनी हूँ कबूखी गली जन संग करदा रंगरलीगा गली जन संग करदा गलीजन संग करदा लहरा कहरा ले रात सब तिरछन मोरी ले नार गरुआ भर ले आए आज बाग में पुकार किलवाल राम बोल हर बार बार गलीजन संग करदा रंग रलीजा बापूराव जी अपने व्यवहार में बहुत दक्ष थे और सख्त अनुशासक भी। 1943 से अपनी डायरी में प्रत्येक दिन की टिप्पणियाँ वह अंतकाल तक यानी 1955 तक करते आए थे। उन्होंने लिखा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से दिनांक 7 अप्रैल 1947 को हुई मेरी मुलाकात मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मेरे कुछ भजन सुनकर उन्हें बहुत आनंद हुआ। मेरे पिताजी के साथ उनकी मित्रता होने के कारण उन्होंने बड़ी आस्था से मेरे और मेरे परिवारजनों के बारे में पूछताछ भी की। महात्मा गांधी जी का प्यारा भजन रघुपति राघव राजा राम अब हम सुनेंगे और इसके बाद मीरा का लोकप्रिय भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ये हम सुनेंगे। रघुपति राघव राजा राम पदे दबावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पदे दबावन सीताराम रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पदित 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 पावन सीताराम रघुपति राघव
राम रतन धन पायो पायो रे मैंने राम रतन धन पायो पायो रे मैंने पायो रे मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक वस्तु अमोलिक वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपना जो भजो जे मन राम रतन धन पायो एक मरतबा ऐसा हुआ कि चेन्नई के रसिक रंजनी सभा ने डीवी पलुसी जी को एक डेढ़ बरस में तीन मरतबा हिंदुस्तानी गायक को मतलब डीवी पलुस्कर जी को बुलाया था, निमंत्रित किया था गाने के लिए। ये उस वक़्त एक ख़ास बात थी। उस वक़्त की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पंडित जी गा रहे हैं और तबले पे कृष्णराव कुमठेकर थे और सारंगी वे बाबूराव कुमठेकर और तानपुर में मैं स्वयं हूँ। वहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। पुणे आकाशवाणी केंद्र की ओर से महात्मा जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को आमंत्रित श्रोताओं के सामने आयोजित कार्यक्रम में बापूराव जी को विशेष रूप से गायन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने संत तुलसीदास जी का भजन जानकी नाथ सहाय करे बहुत भावपूर्ण पद्धति से गाया। मैं स्वयं तानपुरे पर था उस वक़्त, मुझे याद है, और अब वो भजन आप सुनेंगे जब जानकी नाथ सहाय करे। जानकी नाथ
जगत में भाग बड़े में चीन के अपने दौरे की एक अलग टिप्पणी बापूरियो जी ने की है। उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने उनका विशेष रूप से सम्मान किया था। चीन का एक गाना भी इस दौरे में उसके अर्थ के साथ उन्होंने नोटेशन करके रखा है। उनका गायन चीनी श्रोताओं को बहुत ही पसंद आया था। राग कल्याण में उनकी गाई हुई लंगर तोरे यह बंदिश अब हम सुनेंगे। लंगर तोरे कज न के ओ रे लंगर तोरे कज न हो रे मोरे गगरिया भारी अब दे भुगारी निरनारी निरक निरक हत हत जैत मुहकारी लंगर तुर कजन हो लंगर तुर कजन। तुम तो महादी तपिया तन ना कुयावत रावत आत बार बार मैं हेरत हेरत हो लाजन मन जात हो लंगर तुर गगन हो गे लंगर तुर फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं
वो चाइना में लिया हुआ फोटोग्राफ है, सारंगी पर पंडित रामनारायण जी है और तबले पर प्रेम वल्लभ जी है, और अगले फोटोग्राफ में इनको ही फोटोग्राफ है लेकिन मुन्ने खां सारंगी पे है और रामनारायण जी सारंगी पे, मुन्ने खां तबले पर है। आगे बढ़ते हैं। बापूराव जी के साथ चीन के दौरे पर गए कलाकारों में प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां और सारंगी वादक पंडित रामनारायण भी थे। हलीम जाफर खान साहब ने कहा, पुराने बुजुर्ग जैसे कि मानते चले आ रहे हैं कि सुध मुद्रा सुध बानी यह देन उन्हें थी। तानों में सफाई, अल्फाजों का उच्चारण, लय का अंदाज, इन सभी पर उनका अच्छा और कमाल का प्रभुत्व था। और पंडित रामनारायण कहते हैं कि केवल लोकप्रियता के लिए अपने गायन में बापूराव ने कभी हल्की फुल्की मुर्कियों का उपयोग कभी नहीं किया। पलुस्कर जी एक उच्च कोटि के कलाकार और नेक इंसान थे। अब हम उनकी गायी हुई हमीरा की एक बंदिश सुनेंगे, सूरजा रही। उठ लागे रहे
यह दिग्गज कलाकार के निधन के केवल 15 दिन पूर्व HMV के GN जोशी ने LP रिकॉर्ड की ट्रायल के लिए राग श्री में हरि के चरण कमल यह बंदिश रिकॉर्ड की, परंतु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने कहा मैं जब वापस लौटूंगा तब फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा, परंतु हाय वह समय दुर्भाग्य से फिर आया नहीं और यह श्री राग की ध्वनि मुद्रिका उनके जीवन की इतिश्री हो गई। दिनांक 26 अक्टूबर 1955 के विजयादशमी के दिन केवल 34 वर्ष की आयु में यह लोकप्रिय कलाकार ने बहुत दूर जाकर सीमा उल्लंघन किया। यह हम सबका बहुत ही दुर्भाग्य है। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं वो अनंत में विलीन उनका अंतिम क्षण फ्यूनरल पायर पे। रसिक श्रोताओं, बापूराव जी के गाए हुए सूरदास जी के सुनहरी मैने निर्बल के बलराम इस भैरवी भजन के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे।
निर्बल के बल
कृपा से सब बन सुर किशोर कृपा से सब बन सुर किशोर कृपा से सब बन आगे के बल के बल